राधे राधे दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रियाज एंटरटेनमेंट। कैसे हैं आप सब? आप लोगों ने मेरा करवा चौथ व्लॉग देखा था कि नहीं? बहुत से लोगों ने देखा है, स्पेशली जो यहाँ के व्यूअर्स हैं उन्होंने मेरे दूसरे व्लॉगिंग चैनल पर, तो मैं उसका लिंक कमेंट सेक्शन में छोड़ दूंगी। और आप देख सकते हो कि मैंने अपना करवा चौथ कैसे मनाया। अब तो एक हफ्ते से ऊपर हो गया, तो इसलिए मेरी मेहंदी काफ़ी उतर गई है, बिकॉज किचन का काम चलता रहता है, हाथ धुलते रहते हैं बहुत ज़्यादा। तो आज मैं आपकी पसंद का खाना लाई हूँ और अपनी पसंद का। मैंने सर्दियों का पहला सरसों का साग बनाया है और वो ही लेकर आई हूँ। साथ में मक्की की रोटियाँ बनाई हैं घर में। ये मैंने नूडल्स और मैकरोनी मिक्स करके बनाया है, मैकरोनी सूजी की और नूडल्स आटे वाले। दो समोसे मंगाए थे मैंने और खाने में मीठे में जलेबी कहाँ चुप गई ये रही जलेबी। और पीने में है हमारे पास कीवी बेजल सी ड्रिंक, ग्रीन ग्रीन कलर की। तो शुरू करते हैं, भूख लग रही है। सैलेड में मैंने मूली और टमाटर रखा हुआ है। तो जी, ये है अभी गर्मा गर्म साग और इसके ऊपर हम डालेंगे देसी घ्यो। ओए होए, ओए होए, देसी घी या वाइट मक्खन के बिना तो फिर सरसों के साग का मजा अधूरा है। शाउट आउट टू प्रखर ज्ञानेश्वर 6855। तो जी, अगर आपको भी मेरे वीडियो में शाउट आउट चाहिए तो स्क्रीन पर शाउट आउट के दो रूल्स लिखे हुए हैं, आप उन दोनों को फॉलो करके शाउट आउट पा सकते हैं। अक्सर मैं सेकेंड वाला रूल का हार्ट देना भूल जाती हूँ। इन केस मैं भूल गई, हार्ट आपको नहीं दिखा वीडियो में, तो आप ये बता देना कि मैंने समोसे की फर्स्ट बाइट किस टाइम स्टैम्प पर ली थी। सुविचार के साथ जय अन्नपूर्णा माता की। पहले एक तो मक्की की रोटी, फिर नूडल्स वूडल्स पे आएंगे। मुंह खोल लो, फर्स्ट बाइट। मजे आ गए। ये इतनी गोल पता क्यों है? मैंने ढक्कन का छापा मार के बनाई है घर वालों को सबको खिला दिया मैंने खाना। ओए ये मेरे दार मस्त देसी घी। मैंने सही बोला ना, एक बार मैंने लास्ट ईयर बनाया था इसका वीडियो, उसमें मैंने उल्टा बोल दिया था, सरसों की रोटी मक्की का साग ऐसे बोल दिया था कुछ मक्की की रोटी तो सरसों का साग। ओए हो जी, बल्ले बल्ले होगी। चीयर्स जी, चीयर्स। एक और खाते हैं, फिर उस पे जाएंगे, फिर समोसे पे जाएंगे। खूब सारा हम्म
आप में से किसके यहाँ पर बन गया है विंटर्स वाला सरसों का साग? मैं इसमें डालती हूँ देसी सरसों, बथुआ, मेथी, पालक। ओए देसी क्यों डिग रहे थो? मुँह में पानी आ रहा है ना। ये मैंने पार्टीशन बनाई थी ताकि साग जो पहले मक्की की रोटियों के साथ मिक्स ना हो जाए, फिर रोटी गीली गीली हो जाती है। भाई साहब पंजाबियों की टॉप क्लास फेवरेट रेसिपी है। तो गाइस अब इत्तू से साग के साथ आधी और मक्की की रोटी खाई जा सकती है ना। तो ये हम लपेट लेते हैं। हाँ, क्योंकि मक्की की रोटियाँ भी ना बहुत सारी नहीं खाई जाती, बड़ी हैवी होती है, अभी वो भी तो खाना है ना। मूली भी इतनी मीठी आ रही है ना, मजा आ गया। बैठे बैठे हो गई। पहले समोसा खाएं, पहले जूस पीने हैं। चटनी लो जी, ये आ गई थी समोसे पे। ओए होए होए होए, फर्स्ट बाइट समोसे की ले लो। मजेदार। ये ना भी इतना क्रंची नहीं है, इसके पीछे स्टोरी है।
कल था मेरा अहोई का व्रत, ठीक है। तो मैंने शाम को मिठाई मंगाई थी व्रत की पूजा में रखने के लिए, तो मैंने साथ में दो समोसे मंगा लिए ये सोच के कि कल मैं मकबैंग करूँगी तो समोसे रख लूँगी। तो ये कल वाले समोसे हैं, ये थोड़े सौगी हो गए। ये स्टोरी है इसकी। टेस्ट में कोई कमी नहीं है, बस क्रंचीनेस जो है थोड़ी कम हुई है। लगी मिर्च। सो गाइस, समोसा एक ही बस, टाइम फॉर नूडल्स एंड मैक्रोनी। टेड तो मेरा पार गया, क्या करूँ। लो जी, ओए ओए, घर में बनाए हैं मस्त एकदम। मो मम्मी मुँह खोलो। टोटा ये मैंने बहुत सारे बनाए कढ़ाई भर के। यम, कैप्सिकम, रेड बेल पेपर और अनियन, बस। शेजवान चटनी, केचप और चिंग्स का ना हक्का नूडल मसाला का पैकेट आता है वो डाला है। अरे आजा भाई। बहुत ही मज़ेदार है। मसाले जो होते हैं ना चिंग्स वाले पैकेट के, ये ज़बरदस्त स्पाइसी होते हैं भाई साहब। नहीं जलेबी मत छुपाओ भाई। ओए 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 ओए, ये सही स्वीट डिश की तरह काम आ रहा है। कीवी वाला काफ़ी मीठा होता है, विच इज़ गुड टुडे। मजा आ गया आपको है कि नहीं। लो जी जलेबी। मैंने रात को भी खाई थी व्रत खोलने के बाद। मजा आ गया भाई। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करना। आई लव यू सो मच। बाय बाय। राधे राधे।